स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में गुरुवार को 511 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं, जो 5 मार्च के बाद से सबसे अधिक हैं। वायरस से एक की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 आंकड़ा बढ़कर 78,84,329 और कुल मौतें 147,858 पर पहुंच गई हैं। बुधवार को राज्य में 470 मामले और 0 मौतें दर्ज की गई थीं। मुंबई में 350 नए मामले दर्ज किए गए थे। 5 मार्च को राज्य में वायरस के 535 मामले देखे गए थे और तब से आज 24 घंटे के अंतराल में 511 की ताज़ा संख्या सबसे अधिक है। विभाग ने कहा है कि अभी राज्य में 2,361 सक्रिय मामले हैं। नंदुरबार, धुले, लातूर, हिंगोली, अकोला, बुलडाणा, यवतमाल, वर्धा और गोंदिया जिले में फिलहाल कोई सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में एकमात्र मौत बीड से हुई है। राज्य में मृत्यु दर 1.87% है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 324 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य का रिकवरी रेट 98.09% है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 27,541 परीक्षण किए गए हैं, जिसमें राज्य की कुल परीक्षण संख्या 8,08,13,346 हो गई है। महाराष्ट्र का कोरोना वायरस आंकड़ा कुल मामले 78,84,329 है। नए मामले 511, मरने वालों की संख्या 147,858, सक्रिय मामले 2,361, अब तक के परीक्षण 8,08,13,346 है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।